कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बारबेक्यू हॉट रोल बनाने जा रही हूँ, ये देखें। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बताते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स। बारबेक्यू हॉट रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास चिकन है। चिकन मैंने एक पूरा एक चेस्ट पीस लिया था, उसे बोनलेस करवाया है। क्यूब्स में हमने इसकी कटिंग कर लिया है। यहाँ 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ 2 टेबल स्पून हमने दही लिया है भर के। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून क्रीम है, डेरी क्रीम जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं। और यहाँ मेरे पास तंदूरी मसाला है, 2 टेबल स्पून हमने तंदूरी मसाला लिया है। यहाँ मेरे पास सोया सॉस है, ये यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास विनेगर है यानी कि सिरका है हमारे पास, ये हम 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। अब मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बताऊँगी। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये डाल रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद हम तंदूरी मसाला शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। अब 2 टेबल स्पून के करीब मैं डेरी क्रीम शामिल कर रही हूँ। अब मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ मैं सिरका शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। यहाँ मैं एडिशनल मसालों में से सबसे पहले डाल रही हूँ लाल मिर्चें, यानी कि 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं हम। और 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी। अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेशन की टाइमिंग 2 आवर्स की, यानी कि 2 घंटे आपको इसको मैरिनेट करने रखना होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि हम इसको किस तरीके से कुक करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं चिकन शामिल करूँगी। देखिए अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। आराम आराम से हम चिकन को डालना है। देखिए सारी चिकन मैंने शामिल कर दी है। देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है, चिकन में बबल्स आने शुरू हो गए हैं अच्छे से, ये देखें। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, ये देखें इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। आपको भी थोड़ा सा पानी ऐड करना है, यानी कि 1/2 कप के करीब आप पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं कवर कर दूँगी अच्छे से इसको। 10 मिनट के बाद मैं अपनी चिकन को चेक करूँगी कि ये गल गई है या नहीं। आइए इसे कवर करते हैं अपनी चिकन की। ये देखें चिकन हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कोयले का स्मोक लगाऊँगी क्योंकि ये बारबेक्यू है इसलिए। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्याज ली है। एक प्याज को मैंने रिंग में कटिंग कर लिया है। यहाँ हमारे पास गोभी है, यानी कि मैंने गोभी ली है। एक गोभी को मैंने कट कर लिया है, बंद गोभी थी हमारे पास। यहाँ मेरे पास खीरा था, खीरे को हमने लंबाई में काट लिया है। यहाँ मेरे पास बारबेक्यू सॉस है, ये मैंने घर में बनाई है, आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं बाहर से। ये मेरे पास मायोनीस है। और ये रही हमारी बारबेक्यू चिकन जो हमने बनाई थी आपके सामने, ये देखें। ये देखें ये मेरे पराठे हैं, चल पराठे हैं जो हमने घर में बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आइए अब हम रोल बनाते हैं। मैंने एक पराठा ले लिया, मैं इस पर मायो लगा रही हूँ। अच्छे से फैला दें आप। मैं बारबेक्यू सॉस लगाऊँगी, चारों तरफ अच्छी तरीके से आप फैला दें। अब मैं गोभी लगाऊँगी, आपको इसे लंबाई में लगाना है इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। हम खीरा लगा रहे हैं जी। अब मैं लगाऊंगी प्याज, प्याज आप इस रिंग में काट लें। अब फाइनली मैं चिकन लगा रही हूँ। अच्छे से होल्ड कर दें आप रिंग्स में। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया। मैं सॉस लगा रही हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे रोल करेंगे। पहले एक साइड कवर करेंगे, फिर सेकंड साइड को कवर करके, दूसरी साइड को आप इस तरीके से कवर करके यहाँ पिन सेट कर देंगे। दैट्स इट। ये देखिए मेरा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठा रोल रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने इसे पापकोला कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं इसी तरीके से आपके साथ मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कुकिंग क्लासेस विद सहमा सर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।